राउंड 5, 6 कंटेस्टेंट्स, कैश प्राइस ऑफ 1,25,000 रुपीज, मौका है 1,25,000 तक पहुंचने का, क्या ये मुमकिन है? सिर्फ सही जवाब. अ सीरीज ऑफ करेक्ट आंसर्स कैन ओनली टेक यू टू 1,25,000. तो शुरू करें, कमरान साहब आपसे शुरू करेंगे. 2 मिनट और 20 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड और कम हो गए, वक्त कम है, बेहतर होगा जल्दी जल्दी जवाब दें, ज्यादा टाइम जाया ना करें आप सब. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. दुनिया का सबसे बड़ा जजीरे का नाम क्या है? ग्रीनलैंड. करेक्ट. इट ओनली इंक्रीजेज एंड नेवर डिक्रीजेज, व्हाट इज इट? एज. करेक्ट. कितने शोबों में नोबेल प्राइज दिया जाता है? हमाद. 6. करेक्ट. Bank. पहला नोबेल प्राइज किस सन में दिया गया था? 1900. 1901. कौन से मुल्क की एयरलाइन है? ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट. Bank. What is the half quarter of 8,000? प्लीज रिपीट क्वेश्चन अगेन. 8,000 का निस्फ चौथाई क्या है? 4,000. 1,000. गुड़िया, बार्बी का पूरा नाम क्या है? बार्बी डॉल. बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट. खाने का तहफ्फुज के लिए टिन कैन की इजाद किसने की? पीटर ड्यूरेंट. ड्रैगन फ्लाई की उम्र कितनी होती है? 24 घंटे. दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? अरबाब. हमिंग बर्ड. करेक्ट. सिकंदर पोर्चुगल का दारुल हकूमत क्या है? लिस्बॉन. करेक्ट. वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अली. 11. 7. चांद पर हथौड़ा और पंख किसने गिराया था कि ये जाहिर किया जाए कि वो बगैर किसी हवा के गिरते हैं? नील आर्मस्ट्रांग. डेविड आर स्कॉट. एंड योर टाइम इज अप. इवन दो रूल्स बताए गए थे, कहा था सवाल से पहले बैंक कहना है, बहुत सारे लोगों ने सवाल के बीच में, सवाल शुरू होते हुए, सवाल के बाद बैंक प्रेस किया, जिसकी वजह से काफी गड़बड़ हो गई. आपको क्या लगता है आपकी टीम ने किस तरह परफॉर्म किया अरबाब? टीम ने पिछले राउंड के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बैंक वाले वही मसले में सब कंफ्यूज. मैंने खुद ने आधा क्वेश्चन, पांचवें राउंड में भी कंफ्यूज. आई थिंक सो. 4 राउंड्स खेलने के बाद भी समझ नहीं आ रहा. रमला, आपके हिसाब से सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन था? आई थिंक अली. अली क्यों? क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन का थोड़ा देर में जो है ना, मतलब आंसर किया था, तो इस वजह से आपको लगता है टाइम ज़ाया हुआ है? जी. आपको लगता है कि वो टाइम में आप ज़्यादा सवाल हो सकते थे और अमाउंट हमारी इंक्रीज हो सकती थी? चले फिर देखते हैं कि हमारे वोट्स क्या कहते हैं. आपका वक्त शुरू होता है. आप हमाद इस राउंड में काफी कंफ्यूज नजर आए, बैंक की आवाज काफी दफा आई, अरबाब की परफॉर्मेंस अच्छी रही. अब देखना यह है कौन है जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा. ज़ेर जी, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इस शो में होना चाहिए? आई थिंक अभी तो सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है. लेकिन अली ने एक क्वेश्चन का जवाब गलत दिया था, तो सिर्फ उसकी वजह से मुझे वोट करना पड़ेगा, क्योंकि वोट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में जाना है. मेरे पास जो वोट्स आए हैं उसके हिसाब से इस राउंड से बाहर और इस शो से बाहर, यानी आखिरी खिलाड़ी कौन से एलिमिनेट होने वाला, वो शख्स जिसका नाम मेरे सामने स्क्रीन पे आया है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, जो इस राउंड का वीक खिलाड़ी है कंटेस्टेंट्स के मुताबिक, वो नाम है कामरान साहब आपका. ये एक बड़े मुनफरद आइडिया के मुताबिक प्रोग्राम था. इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद. जहाँ तक
प्रोग्राम का ताल्लुक है, उसमें ये सिर्फ क्विज़ इन्वॉल्व नहीं थी, थोड़ी सी कुछ सेटिंग भी बनी हुई थी और सेटिंग के तहत लोगों को वोट आउट करके निकाला जा रहा था। और बिलाखिर जैसे कहते हैं ना कि साजे की हंडिया चौराहे में फूटती है, वह आखिरी राउंड में पता चल गया। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।